अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं फरजाना मेमन आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ वेजिटेबल रोल की रेसिपी, जो बहुत मज़ेदार, बहुत करंची और बआसानी से घर में तैयार हो सकते हैं। ये बनाना जितना आसान है खाने में उतने ही मज़ेदार हैं। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर हमने लिए बंद गोभी, जिसे बारीक बारीक चॉप कर ली थी मैंने, वाइट चने उबले हुए लिए हैं, काली मिर्चें ली हैं, चिकन बॉईल करके चॉप किया है, इसके अंदर मैं चाट मसाला मिक्स करके रखूँगी। यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसके अंदर चने जो चाट मसाला लगा के रखा था उसे मैं फ्राई कर लूँ, इसलिए कि उबले हुए चने। इसी फ्राई करने के बाद इसमें हम सारी सब्जियाँ मिक्स कर देंगे, गाजर है, गोभी है, शिमला मिर्च है, इसे भी हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही चिकन डाल देंगे जो बॉयल करके रेशा किया था हमने। इसमें काली मिर्चें शामिल कर दी हैं, चिली सॉस 2 चम्मच, सोया सॉस 2 चम्मच, इन सब को हम मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को यहाँ पर हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं तो वो नरम हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने अंडा फ्राई किया था, अंडे की इस तरीके से कतलियाँ बना ली हैं, ये भी हम इसी में शामिल करेंगे। अंडे को नॉन स्टिक पे हल्का सा ऑयल डाल के फैला के हम फ्राई कर लेंगे, ये भी इसी के अंदर हमने शामिल कर दिया है। यहाँ पर हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है, मैं ठंडा कर रही हूँ इसे ताकि हमारे रोल आसानी से हम बना सकें। यहाँ पर मैंने मैदे के आटे की पानी डाल के बना लिए है, इसे हम बहुत गाढ़ा नहीं करेंगे ना ही बहुत पतला करेंगे। यहाँ पर हमने मांडा पट्टी ले लिए, जो जहाँ से हम समोसे की पट्टियाँ लेते हैं वही हमें रोल की भी काट के देते हैं अगर हम कहते हैं तो, और उन्हीं से हम कहते हैं कि हमें रोल की बना के दें तो वो रोल की बना के देते हैं, और हम छोटे बड़े रोल की भी कटिंग करवा सकते हैं। तो देखिए इसे लपेटना भी बहुत ही आसान है, आप दोनों कोने दोनों तरफ से आप साइड को मोड़ेंगे और फिर बस सीधा सीधा पलट देंगे। यहाँ पर जो कोना थोड़ा सा भी अगर आपको खुला हुआ दिखता है तो उसे आप उंगलियों की मदद से प्रेस कर देंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि समोसे हो, ऑनटन हो या रोल हो, इसके कोने खुले हुए नहीं होने चाहिए, वरना ऑयल चला जाता है तो खाने के टाइम पे उसे मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से रोल को तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर जब चने आते हैं इस रोल के अंदर तो और इसका जायका अच्छा लगता है। दो तरफ से फोल्ड करेंगे, फिर इसे हम बीच की मदद से उंगलियों से पलटते हुए चले जाएंगे, लेकिन टाइट टाइट हम पलटेंगे। तो यहाँ पर मेरे रोल जो है, मैंने सारे रोलों को तैयार कर लिया है। इसे आप सेव करके 1 से 1.5 महीने तक के लिए डी में रख सकते हैं, ये ताज़े ही रहते हैं। लेकिन इसे रखने के लिए तरीका है कि आप इसे किसी एयर टाइट डब्बे में रखें ताकि इसको ठंडक नहीं लगे। यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म रख दिया है, यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो मैं यहाँ पर रोल शामिल करती हूँ ऑयल के साथ। तो यहाँ पर सुनहरा कलर आ चुका है, तो यहाँ देखें हमारे ज़बरदस्त से क्रंची से रोल तैयार हो चुके हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा, आपका कमेंट और लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है
मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।